बरुड़ ग्राम में केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत पेयजल टंकी और नवीन पाइपलाइन खुदाई का कार्य जोरों पर चल रहा है। वहीं पीएचई विभाग के कर्मचारी पाइपलाइन खुदाई कर गड्ढों को खुला छोड़कर ही चले गए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भावसार मोहल्ले से पूरे ग्राम के बारिश का पानी निकल कर जाता है, साथ ही इसी मार्ग से शव यात्राएं भी निकल कर शमशान की ओर जाती है, जहाँ पर अत्यधिक पानी की वजह से पाइपलाइन उखड़ पड़ी, जहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और पत्थर निकल आए हैं। इसी के चलते दुर्घटनाएं भी हो रही है और कई ग्रामीण गड्ढों में गिर रहे हैं, परंतु पीएचई विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। ग्रामीणों ने सीएम हाउस पर भी शिकायत की गई, पर पीएचई विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों से शिकायत भी की गई। शिकायत करने के बाद भी विभागीय अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लाखों रुपये की योजनाओं को शासन के आला अधिकारी और ठेकेदार मिलकर यहाँ पथिला लगा रहे हैं, वहीं ग्रामीणों को भी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 3 में विगत 6 महीने पूर्व जल मिशन अंतर्गत ये पाइपलाइन खोदी गई थी, जिसको पूरा कर भी दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो उसको बूझना था उसमें पूरे गड्ढे रह गए, और आज के दिन लगभग 6 महीने बाद भी आज जो तेज़ बारिश उसमें सब बह गए हैं। आने पूरे गांव का पानी इस मोहल्ले से जाता है, शव यात्रा इस मोहल्ले से निकलती है। यहाँ पर शिव मंदिर है, श्रावण मास आने वाला है, महिलाएं पूजा करने जाती है, तो यहाँ पर इतने गड्ढे हो गए कि पैदल भी निकल पाना हमारे लिए दुश्वार हो गया। तो हम पीएचई विभाग और ग्राम पंचायत बरूड से आग्रह करते हैं, तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी इस लाइन का ट्रायल ले करके इस रोड पर जैसा सीसी रोड था वैसा बनाया जाए। हमारे सभी वार्डवासियों की यही समस्या है और इसका निराकरण किया जाए। इसके पूर्व हमने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है और लेटर के माध्यम से, और जो यहाँ पर चौबे जी है उनको भी मौखिक रूप से कई बार हमारे वरिष्ठ द्वारा, भाइयों द्वारा, वार्डवासियों द्वारा बताया गया है। पर अब ये आपके मोहल्ले में क्या समस्या चल रही है, इससे आपको निदान मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है, यह हमें मंदिर जाने में भी बहुत समस्या है, बच्चे भी गिर रहे हैं और पानी इतना आ रहा है कि मच्छर के कारण हम सब बीमार भी हो रहे हैं। ये समस्या कब हमारी दूर होगी? तो इसको कहीं लेके आप गए थे क्या, ज्ञापन दिया कहीं पे आपने? हाँ दिया है, ठेकेदार को बोला है ना, बहुत बार बोला है हमने। अच्छा, इसका निदान जल्दी करें, सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ अभी श्रावण मास आ रहा है, अब महिला है पूजा मंदिर में पूजा करने जाएगी, उनको भी समस्या है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे खेलते हैं तो कहाँ खेलने जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनल विजय कुमरावत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।